देखो मेरे करीब मत आना। आपका और मेरा जो रिश्ता है उसमें आप मेरे नजदीक आने का सोच भी कैसे सकते हो? मैं एक ऐसे रिश्ते को नहीं मानता। कोई भी रिश्ता तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता, समझे तुम? आज तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, माय मैडी कोई नहीं। होटल ब्लू प्लाजा, रात का वक्त, होटल के रूम नंबर 45 में एक लड़का बेड पर गिरी हुई लड़की की तरफ बढ़ रहा है। उस लड़की का चेहरा पसीने से भीगा हुआ है, घबराहट से उसके होंठ कांप रहे हैं। तो वही लड़का जिसकी उम्र लगभग 26 साल की थी, उसकी हाइट 6.4 थी, गोरा रंग, हल्की हरी आंखें जिसमें बला की चमक थी, हल्की सी बियर्ड, उसने ब्लू कलर की टाइट शर्ट पहनी हुई थी जिसमें उसके फिट बॉडी के सारे कट्स साफ नजर आ रहे थे, ग्रे पैंट, हाथ में ब्रांडेड वॉच, तीखी नाक, गुलाबी सॉफ्ट होंठ, जिनको वो उस लड़की को देखकर अपने दांतों से चबा रहा था। वो काफी गुड लुकिंग था। ये था अक्षर रॉय, जिसे सब AR बोलते थे, यूपी का सबसे अमीर और सक्सेसफुल बिजनेसमैन। पर उसमें कुछ ऐसा था जिसकी वजह से सब उससे कांपते थे। उस वक्त अक्षर के माथे पर कोई शिकन नहीं थी, एक डेविल स्माइल उसके होठों पर साफ नजर आ रही थी, जैसे उसके अंदर का राक्षस बाहर आ चुका था। उस लड़की ने उसे हाथ से रोकते हुए कहा, देखो यार, ये आप बहुत गलत कर रहे हैं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अक्षर बिना कोई जवाब दिए उसकी तरफ साइडेक्टिव वॉइस में बोला, तू जिद है, मेरी जिद है, तुझे पाने की बस तलब है, खुद में समा लो तुझे, बस इतनी सी चाहत है, सांस ना लूं एक पल तुझ पे, बस इतनी सी हसरत है, तू जिद है, मेरी जिद है, कैसे बताऊं तुझे, तुझ बिन तड़पता है ये दिल, तेरे बिना जीना नहीं एक पल है, खुद का बना कर रख लो, बस ये जिद है, तू जिद है। कहते हुए वो लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा था। लड़की घबरा कर पीछे खिसकने लगी। अक्षर ने उस लड़की का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और खुद बेड पर उसके ऊपर आ गया। उस लड़की ने घबरा कर आंखें बंद कर ली। अक्षर ने अपनी फिंगर उसकी गाल पर टच करते हुए सेडक्टिव वॉइस में कहा, ओ कम ऑन यार, इतना भी क्या घबराना। कहते हुए वो एक टुक उस लड़की के खूबसूरत चेहरे को निहारते जा रहा था। उस लड़की ने इस वक्त रेड कलर का श्रग पहना हुआ था, रेड ब्लाउज और ब्लू जीन्स, स्ट्रेट लॉन्ग ब्राउन हेयर जो उसकी कमर पर बिखरे हुए थे, और कुछ बाल जो चेहरे पर आकर उसे और खूबसूरत बना रहे थे। ब्लू बड़ी बड़ी आंखों में भरे हुए आंसू उसे और भी मासूम बना रहे थे, तीखी क्यूट सी नोज, रोज पिंक होंठ जिन पर पिंक लिप ग्लॉस लगा हुआ था, जो घबराहट से लरज रहे थे, जिन्हें देख अक्षर की प्यास और भी बढ़ती जा रही थी। ये थी अक्सारिया, जो कि 19 साल की थी। अक्षर रॉय ने अपनी उंगली अक्स के होठों पर रब करते हुए कहा, क्या यार मैडी, इतना क्यों तरसा रही हूँ, ये खूबसूरती मेरे लिए ही तो है। कहते हुए अक्षर ने अक्स की गर्दन पर अपने होठ रख दिए। अक्स ने अपनी पूरी जान लगाकर AR को धक्का मारा और बेड से उतरकर दूर अक्षर से मुंह फेर कर खड़ी हो गई और फिर लरजती आवाज में बोली, AR ने अक्स को अपनी तरफ खींचा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। अक्स की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उस वक्त AR लस्ट में नहीं था, बल्कि एक जिद में था, जो जिद उसे अक्स की दी हुई धमकी ने जगाई थी। अब वो रुकने वाला नहीं था। अक्स जो कुछ सेकंड पहले अक्षर को धमकी देने की कोशिश कर रही थी, अब वो डर से कांप रही थी। अक्षर के कौन से काले राज की बात कर रही थी अक्स? क्यों पागलपन चढ़ा है AR पे अक्स को हासिल करने का? आखिर ऐसा क्या रिश्ता है दोनों का जिसकी वजह से दोनों नजदीक नहीं आ सकते? भाई, दोस्त, पिता या फिर कोई और? आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए हमारी न्यू सीरीज तू जिद है, हमारे YouTube चैनल स्टोरी वर्ल्ड FM पर।
थैंक यू, धन्यवाद।